इसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो अभी हम पढ़ेंगे। इनर्ट पेयर इफेक्ट ये ही पढ़ा रहा था मैं आज, पता नहीं क्या हो गया था। चलो देख लेते हैं, सिंपल सा ही है ये। ठीक है। सर, बोलो। कोवेलेंट बॉन्ड की थ्योरी पूरी अलग है आयोनिक से? हाँ अलग है यार, बहुत अलग है, तो दुनिया ही अलग है। चलो इनर्ट पेयर इफेक्ट देख लेते हैं। तो पहले समझते हैं यार इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। तो इसमें ध्यान रखना, इसको याद रखने का तरीका क्या है, इनर्ट पेयर, इसमें बेसिकली देर इज सम सॉर्ट ऑफ एन इनएबिलिटी टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो इनर्ट पेयर का एक बहुत सिग्निफिकेंस है यहां पर, तो समझते हैं पहले इसको। पहले तो ये ध्यान में रखो कि इनर्ट पेयर इफेक्ट इज ऑब्जर्व ओनली इन थ्री ग्रुप्स, ग्रुप 13, ग्रुप 14 एंड ग्रुप 15। इसके अलावा इनर्ट पेयर इफेक्ट कहीं ऑब्जर्व नहीं होता है। ठीक है, अच्छा इसमें भी इन ग्रुप्स में भी ओनली लास्ट थ्री पीरियड्स में अब्सॉर्ब होता है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल बोरॉन वाला फैमिली अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, बोरॉन एल्यूमिनियम, ठीक है, तो इनमें भी देख लेते हैं, पहले इसी को लेते हैं, ग्रुप 13 को ही लेते हैं चलो। ठीक है, इनमें भी इन तीनों में ही इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। ठीक है, अब ये होता क्या है वो देखते हैं। जब भी किसी का माइक ऑन है तो बंद कर दो यार। ठीक है, इनमें ही ऑब्जर्व होता है, ये पता नहीं शायद ऐसी ध्यान में नहीं है। अच्छा ओके, बंद हो गया शायद। ठीक है, तो देख लो अभी क्या होता है इसका मतलब। तो अगर फॉर एग्जाम्पल गैलियम का कॉन्फ्यूरेशन लिखते हैं, गैलियम का, इंडियम का और थैलियम का। गैलियम का कॉन्फ्यूरेशन बताओ, जल्दी जल्दी बताओ कॉन्फ्यूरेशन क्या होगा। एल्यूमिनियम के नीचे आता है ये, तो कॉन्फ्यूरेशन इसका जनरल होता है Ns2Np1। ठीक है, गैलियम के पहले वाला इनर्ट गैस कौन सा है? आर्गन। आर्गन। ठीक है, आर्गन। सानिका तुम ठीक हो? है ना, हाँ चलो ठीक है, जैसे लगा कुछ हो गया। ओके, तो आर्गन क्या हो जाएगा इसके बाद, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p1। क्लियर सबको यहां तक? नहीं, हाँ गड़बड़ सर, कर दिया हमने। 3d10 होगा ना, 3d2, 4s2, 4p1 होगा। ठीक है, ठीक है ना, सबको क्लियर है यहां तक, यस सर, है ना? सब लोग ऐसा 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 देख रहे हैं कि पता नहीं पहली बार लिख रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन में। हाँ, आर्गन के नीचे होता है क्रिप्टन। क्रिप्टन का क्या हो जाएगा, 4d10, 5s2, 5s2 5p1। 5p1। और थैलियम का क्या होगा, ज़ेनॉन, 4f14, 5d10, 5d10, 6s2, 6p1। ठीक है, अच्छा देखो क्या हो रहा है बेसिकली। तो थैलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना, तो क्या हो रहा है देखो, अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं, ठीक है, ग्रुप 13 कैन शो ओनली टू टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। कौन कौन से शो कर सकता है बता सकते हो क्या, कॉन्फ्यूरेशन प्लस देखकर? थ्री और +3 और +1 भी शो करेगा ना, सिर्फ पी से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। हाँ ठीक है, +3 और +1। तो ऐसा देखा जाता है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है स्टेबिलिटी उसका। मतलब बेसिकली Be3+, Al3+, या ऐसे डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं ऐसा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है उसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर, गैलियम, इंडियम, थैलियम। और जो +1 ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज करता है, वो इंक्रीज करता है। फिर ऐसा क्यों होता है? हाँ वही वही इनर्ट पेयर इफेक्ट से ही समझाऊंगा मैं। ठीक है, ये है तुम्हारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर,
ये है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो इससे मैं बेसिकली क्या कह सकता हूं कि थैलियम प्लस थ्री इज लेस स्टेबल देन थैलियम प्लस वन। ठीक है, थैलियम प्लस थ्री जो है वो ज्यादा कम स्टेबल है थैलियम प्लस वन। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, देखो अभी पहले ये समझो कि प्लस वन से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, मतलब पी से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, लेकिन एस से इलेक्ट्रॉन निकलना तो मुश्किल होगा, ये सबको रियलाइज हो रहा है क्या? हाँ सर। ठीक है, एस से इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल होगा। ऊपर से एक और दिक्कत है, डी की शील्डिंग वीक होती है, ठीक है, डी की शील्डिंग वीक होती है, तो डी की अगर शील्डिंग वीक होती है तो ये जो एस के इलेक्ट्रॉन्स को बड़ी अच्छे से पकड़ेगा गैलियम के प्रोटॉन्स। कितने प्रोटॉन्स होते हैं गैलियम में? हाँ भाई, गैलियम का एटॉमिक नंबर 31, जिंक के बाद आता है ना, जिंक के बाद आता है, तो 31 प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से पकड़ेंगे क्योंकि डी की शील्डिंग तो वीक है। ठीक है, डी में जो 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो तो बेकार हो गए। अच्छा, तो क्या होता है, एस टू से इलेक्ट्रॉन निकालना इज डिफिकल्ट, एनएस टू से इलेक्ट्रॉन निकालना बिकम्स डिफिकल्ट। ठीक है, एनएस टू से इलेक्ट्रॉन रिमूवल इज डिफिकल्ट, और इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। मतलब ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनर्ट है, दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, कोई भी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं थैलियम क्लोराइड है, ठीक है, और थैलियम Cl3 है, इनमें से ज्यादा इजिली कौन सा फॉर्म हो जाएगा? हाँ भाई, सब थैलियम क्लोराइड, थैलियम TlCl3, ये वाला इजिली फॉर्म हो जाएगा, लेकिन ये उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा क्योंकि, अच्छा, क्योंकि 6s से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। सबको समझ में आ रहा है ये चीज कि सो गए हो? यस सर। हाँ सब जागे हुए हो? हाँ सब बोल रही है सो गया है। ठीक है, नहीं देखो भाई, देखो समझ लो क्या है, इनर्ट पेयर का मतलब क्या है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इनर्ट हो जा रहे हैं टू फॉर्म अ कंपाउंड। ठीक है, अब वो क्यों हो रहे हैं? अब जैसे कि तुम इसमें देख सकते हो कि 4s इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बॉन्डिंग में, सिमिलरली इंडियम में भी 5s इलेक्ट्रॉन जो वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि गैलियम से इंडियम जा रहे हैं, इंडियम से थैलियम जा रहे हैं, इन तीनों एलिमेंट्स में से किसका ns, किसका ns, आउटर मोस्ट ns सबसे लीस्ट इंटरेस्टेड होगा कंपाउंड फॉर्म करने में, इन तीनों में से, गैलियम, इंडियम और थैलियम में से, बताओ? अच्छा, क्या? हाँ, थैलियम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सुधांशु, बताओ थैलियम क्यों हो जाएगा? 6s से इलेक्ट्रॉन निकालना, व्हाई इट इज डिफिकल्ट देन 5s एंड 4s? ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसकी ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर, उल्टा होगा ना? उल्टा होगा, क्यों ऐसा लग रहा है तुम्हें? हाँ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो ये ऑर्डर इसलिए आ रहा है क्योंकि इंडियम में 14 इलेक्ट्रॉन्स और बेकार है, 14 इलेक्ट्रॉन्स और बेकार हैं, जिसकी वजह से साइज नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो थैलियम में जितने भी प्रोटॉन्स होंगे वो इस 6s इलेक्ट्रॉन्स को बढ़िया दबोचेंगे, मतलब ठीक है, दे विल होल्ड इट वेरी वेल, जबकि इंडियम और गैलियम में सिर्फ डी ऑर्बिटल में शील्डिंग पुअर है, इसमें तो एफ में भी पुअर है और डी में भी पुअर है। ठीक है, तो 6s से इलेक्ट्रॉन निकालना और ज्यादा डिफिकल्ट होगा देन 5s एंड 4s। सब लोग अग्री करोगे क्या? हाँ, अभी समझ, अभी समझाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ध्यान से करना, ही थोड़ा सा ट्रिकी है इन द सेंस की हाँ, कुछ समझ में नहीं आया, दोबारा समझो। अच्छा बताओ आदित्य, मुझे एक चीज बता दो फटाफट, कि ये समझ में आया ना कि एक तो एस से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है क्योंकि एस का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है, इट इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस। ठीक है, बट अदर देन दैट देयर इज वन मोर रीजन, गैलियम, इंडियम और थैलियम में डी ऑर्बिटल वीक का वीक शील्डिंग है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू इंक्रीज द साइज। ठीक है ना, वो साइज नहीं बढ़ा रहे हैं,
तो इसलिए तुमने नोटिस किया होगा, इसका साइज का ऑर्डर याद है सबको? साइज में एक्सेप्शन था इसका, साइज का ऑर्डर याद है सबको इसका? भूल गए क्या हाँ था भाई? बोरॉन, गैलियम एल्यूमिनियम और इंडियम थैलियम का ऑलमोस्ट इक्वली था। बीटल्स गो ऑल ओवर नहीं नहीं वो जेड इफेक्टिव का ऑर्डर है, नहीं सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है, वो आयनाइजेशन इट। एनर्जी का ऑर्डर है। बीटल्स गो ऑल ओवर इंडिया, गड़बड़ मत करो, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, ये साइज का ऑर्डर था। ठीक है हो जाएगा याद हो जाएगा। ठीक है ये साइज का ऑर्डर है। तो बेसिकली तुम देख सकते हो गैलियम छोटा है एल्यूमिनियम से, गैलियम छोटा है एल्यूमिनियम से। क्यों छोटा है? क्योंकि ये जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, डी के इलेक्ट्रॉन्स है, वो अच्छी शील्डिंग नहीं कर रहे हैं। तो ये जो 31 प्रोटॉन्स है ना, वो 4s2 के इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से पकड़ के रखा है। ये चमक रहा है क्या आदित्य? यस सर। ठीक है तो जैसे जैसे हम, तो अब गैलियम इंडियम थेलियम देखो, NS2 तीनों में ही इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। ठीक है इसीलिए इनर्ट पेयर इफेक्ट गैलियम इंडियम थैलियम में देखा जाता है, इसके ऊपर नहीं देखा जाता। लेकिन इनमें भी ज्यादा मुश्किल किसमें होगा? थैलियम में होगा, क्योंकि इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा बेकार जा रहे हैं एफ ऑर्बिटल में, जो शील्डिंग में कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। ठीक है तो क्या हो रहा है? तो ये इसमें जो प्रोटॉन्स है, थैलियम में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 31 + 18 कितना होता है अभी? हो जाएगा ये 49, 49, 49 + 32 कितना होता है? 81, 81। तो इसमें 81 इलेक्ट्रॉन्स है थैलियम में, ठीक है प्रोटॉन्स है। तो 81 प्रोटॉन्स 6s2 के इलेक्ट्रॉन्स को बढ़िया पकड़ेंगे। ठीक है सो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। ये क्लियर है क्या आदित्य यहां तक? यस सर गॉट इट। ठीक है ना, तो ऑर्डर की बात करिए, थोड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। ठीक है अच्छा अब बात करते हैं। हाँ तो ये ध्यान रखो कि +1, तो क्या होता है कि थैलियम एक इलेक्ट्रॉन तो इजीली दे देता है, लेकिन तीन इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता इजीली। ठीक है क्योंकि पी का इलेक्ट्रॉन वो इजीली दे देगा, लेकिन एस का इलेक्ट्रॉन वो बिल्कुल नहीं देना चाहता। ठीक है ये सबको समझ के आया क्या? कैसे, क्या लॉजिक है इसका? इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है एग्जैक्टली? सर TLCL और TLCL3 में जो आपने लिखा है वो किस बेसिस पर है? हाँ इसमें TLCL में TL जो है वो +1 स्टेट में है और TL इसमें +3 स्टेट में है। कौन ज्यादा स्टेबल होता है दोनों में से? TL प्लस, तो इसीलिए TLCL TLCL ज्यादा स्टेबल होगा ना? TLCL3 हाँ ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये कह सकते एक तरह से, ये इसको स्टेबिलिटी का अलग ऑर्डर, करना पड़ेगा। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ठीक है तो इसका डेफिनेशन मैं लिखवा देता हूं अभी। द इनएबिलिटी ऑफ 6s इलेक्ट्रॉन, या 6s ना के ns कर दो, n ग्रेटर देन 4 कर दो। ठीक है ना 4 से ही शुरू होता है। ठीक है द इनएबिलिटी ऑफ ns इलेक्ट्रॉन टू टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू कर लो, हाँ मेक सेंस। टू टेक पार्ट इन बॉन्डिंग ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ f/d ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। 7 बोल दियो, 7। चलो सर थोड़ा ऊपर करो सर। अगर एस वाला बॉन्ड नहीं बनाएगा तो कौन सा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा? कौन सा पहला वाला इलेक्ट्रॉन? सिर्फ ये वाला इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा उससे, सर तो TLCL3 फॉर्म कैसे होगा? फॉर्म नहीं होगा ना। मतलब फॉर्म होगा बट उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होगी। देखो फॉर्म तो हो जाएगा बट ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन रिमूव हाँ करने के अच्छा लिए, अच्छा तो उस सेंस में हाँ स्टेबिलिटी उसकी कम होगी। ठीक है अच्छा यही सेम चीज कैन बी रेप्लिकेटेड फॉर अदर टू ग्रुप्स, ग्रुप 14 एंड ग्रुप 15। हाँ कुछ कोई क्या कह रहा है कुछ? हाँ बोलो बोलो।
हाँ कुछ क्या याद, क्या क्या याद रखना है इसमें, ये पूछ रहे हो क्या? तुम्हारी आवाज बहुत ब्रेक। अच्छा अच्छा क्या याद रखना है, बताया तुम क्या बताया तुम क्या याद रखना है? समझ में नहीं आएगा, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है क्या ये? तो इसलिए पढ़ चुके हैं ऐसा लग रहा है, पता नहीं उतना डिफिकल्ट तो नहीं है। सर आप वो TLCL और TLCL3 का बता सकते हैं? वो नहीं समझ। हाँ TLCL यार, TLCL का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है TLCL3 से बेसिकली। क्यों होता है? क्योंकि TL प्लस वन, अच्छा देखो ये TL का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ये तुम्हारा TL का कॉन्फ़िगरेशन है, कहाँ गया ये? हाँ ठीक है, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, क्यों? क्योंकि 6p1 जाएगा। यस ठीक है, लेकिन अगर तीन इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 6s से निकालना पड़ेगा। हाँ, और वो इनर्ट पेयर इफेक्ट, वो तो इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर तो वो नहीं निकलना चाहेगा। तो TL प्लस वन स्टेबल होता है TL प्लस थ्री से बस। ठीक है अच्छा ओके ठीक है ना। चलो अब श्रुति को खुशी बोल रही है कि मुद्दे की बात बताओ कि क्या याद रखना है, बताया तो याद क्या रखना है। तो एक तो ये याद रखो, एक तो ये याद रखो, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ठीक है यही पढ़ा रहा था मैं विजर्स में, पता नहीं क्या एकदम दिमाग से उड़ गया। सर थोड़ा चलो अभी ग्रुप 14 का देख लो सर, थोड़ा ऊपर कीजिए। अच्छा अच्छा हाँ क्या कह रहे हो यश? फिर इसके बाद लास्ट क्लास का करना है ना, लास्ट क्लास का मतलब जो मिस कर दिया था हमने कंप्लीट। हाँ 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 नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं बताऊंगा, अभी नहीं, अभी खत्म करने दो फोजांस रूल पहले, थोड़ा सा बच गया वो खत्म कर लेते हैं पहले, फिर बता दूंगा। फिर कोवेलेंट कैरेक्टर खत्म हो जाने दो, उसके बाद वो अलग कर लेंगे। आयनिक आयनिक कंपाउंड खत्म हो जाने के बाद करते हैं वो वाला पार्ट भी। तो ग्रुप 14 देख लो यार, ग्रुप 14 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ग्रुप 14 में होता है कार्बन, ठीक है तो ये होता है तुम्हारा ग्रुप 14 में NH2NP2। हाँ तो इसका NH2NP2 होता है, तो इसके दो कॉमन होंगे ये ऑक्सीडेशन नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, वो प्लस टू एंड क्या होंगे बताओ? प्लस फोर हो जाएंगे। ठीक है तो अगर मैं प्लस टू की स्टेबिलिटी बताऊं, ठीक है या प्लस फोर का पहले बताता हूं, प्लस फोर का जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वो कार्बन का सबसे ज्यादा होगा, फिर सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, टेन का और फिर लेड का। प्लस टू का जो होगा उल्टा होगा सेम लॉजिक के हिसाब से। ठीक है क्या लॉजिक है कि लेड जो है वो हेजिस्ट, लेड में जो S2 इलेक्ट्रॉन होगा इट विल बी हेजिस्टेंट टू फॉर्म टू गिव दैट इलेक्ट्रॉन आउट। ठीक है तो लेड का जो S2 इलेक्ट्रॉन होगा वो इजिली नहीं दे जाएगा, ठीक है वो इनर्ट होगा बेसिकली। सर इनर्ट पेयर इफेक्ट में हम स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं ना? करेक्ट स्टेबिलिटी के बारे में। पोलराइजेशन पावर का कुछ इसे लेना देना नहीं ना? है, 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 है. एक्चुअली थोड़ा सा अभी, अभी के लिए नहीं ना आप... नहीं अभी के लिए नहीं है, अभी के लिए नहीं है। हाँ 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 अभी के लिए नहीं है, अभी तक मैंने बताया नहीं बेसिकली, अभी तक मैंने बताया नहीं वाला पार्ट, बताता हूँ ये पहले समझ लो क्या होता है। तो इसमें यार काफी बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, तुम लोग को पीरियोडिक टेबल में काफी क्वेश्चन मिले होंगे स्टेबिलिटी के शायद, है ना, और तुमसे बने नहीं होंगे तो वो अभी बन जाएंगे, तो मैं क्वेश्चंस अभी कराऊंगा कुछ क्लास में भी। ठीक है ग्रुप 15 भी देख लो, ग्रुप 15 में कौन से होते हैं तुम्हारे नेपाली, तो ये हो जाएंगे
तो इनमें कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका NP3। तो इसका सबसे हो जाएगा दो हो जाएंगे, प्लस थ्री और प्लस फाइव हो जाएंगे, ठीक है। तो प्लस थ्री का ऑर्डर क्या होगा या प्लस फाइव का ऑर्डर क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। और प्लस थ्री का ऑर्डर उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ध्यान रखना, मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख रहा हूं, तो नो भूल ही गया किसका ऑर्डर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। सर ये ऑर्डर डिटरमाइन कैसे किया? अभी तो बताया, समझ लो, अभी फिर से समझ लो, एक और एग्जांपल समझा देता हूँ। ये ऑर्डर डिटरमाइन कैसे किया है, ये समझ में आ रहा है क्या कि बिस्मत प्लस थ्री और बिस्मत प्लस फाइव में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? प्लस थ्री होगा ना, क्यों? क्योंकि बिस्मत के जो एस टू इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड में, वो इजिली देना नहीं चाहेगा। बिस्मत का कॉन्फ्यूरेशन क्या होगा बताओ भाई? बिस्मत का कॉन्फ्यूरेशन हो जाएगा थैलियम के बाद तीन, तो 6p3 हो जाएगा बस, NH2NP3 टाइप होगा। हाँ, तो मतलब टाइप क्या हो, एग्जैक्टली क्या हो जाएगा अभी? तो ज़ेनॉन 4F14, 5D10, 6S2, 6P3, ये हो जाएगा बिस्मत का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो तीन इलेक्ट्रॉन तो इजीली निकल जाएंगे, लेकिन ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली नहीं निकलेंगे ना, ये समझ में आ रहा है क्या? हाँ, यस सर। है ना, तो ये इजीली निकलेंगे, सेम ही लॉजिक है, लॉजिक सेम ही है, ठीक है ना? बस वही है कि वो एक्सटेंड तीनों पीरियड में हो रहा है, तीनों ग्रुप्स में हो रहा है, ठीक है। तो बिस्मत प्लस थ्री ज्यादा स्टेबल होगा बिस्मत प्लस फाइव से, क्योंकि तुम्हें इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में काफी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसकी वजह से ये कम स्टेबल हो जाएगा। सर 6p3 से भी उतना इजी नहीं होगा, क्योंकि वो हाफ फील्ड है ना। हाँ यार, हाँ, लेकिन कंपैरेटिवली तो हाँ सही कह रहे हो, वैसे तो P3 से ज्यादा मुश्किल होगा, बट हाँ, बट हम कंपेयर किसको करेंगे? फिर बिस्मत और तुम इसको करोगे, थैलियम को करोगे या बिस्मत और लेड को करोगे मे बी, ठीक है, उस सेंस में तो हाँ। तो ठीक है, क्वेश्चन करो एक, तो इसके क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं। थैलियम प्लस थ्री, लेड प्लस फोर, बिस्मत प्लस फाइव, आर अच्छा ठीक है, एक बार जो क्वेश्चन थोड़ा फ्रेम करना पड़ेगा दोबारा, थोड़ा हटा दो। कंपाउंड्स ऑफ बिस्मत आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्सप्लेन, करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है थैलियम TLI3, इसको स्प्लिट करना है तुम्हें, स्प्लिट कैसे होगा ये सवाल है, ठीक है। इसको स्प्लिट करने कैसे होगा, तो इसके दो ऑप्शन रहेंगे, एक तो ऐसा हो जाए कि थैलियम और थैलियम 3+ और I-, और दूसरा है कि थैलियम प्लस और I-, कौन से किस तरह से स्प्लिट होगा ये, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन सर, तो यही पॉलीमॉर्फिज्म है क्या? पॉलीमॉर्फिज्म नहीं, ये पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक ही कंपाउंड दो इसमें बांट रहे हैं? नहीं, एक ही कंपाउंड के दो अलग अलग स्ट्रक्चर, इनमें से एक ही करेक्ट है, ये पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है, इन सेंस कि इनमें से एक ही करेक्ट होगा।
दोनों में से। अच्छा हाँ, मतलब स्प्लिट एक ही तरह तरीके से करेगा वो, तो कौन सा करेगा वो बताना तुम्हें, ए और बी में से। ठीक है ना, ये ए है और ये बी है। ठीक है, पहले वाला बताओ, पहले तो पहला क्वेश्चन बताओ। फिर फर्स्ट में वो स्टेबल नहीं होंगे उनके कंपाउंड्स, फिर वो इजीली डिसोसिएट करेंगे, और डिसोसिएट करेंगे, डिसोसिएट नहीं करेंगे, से मतलब कंपाउंड्स ब्रेक होंगे ना। तुम लोग ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डेफिनेशन पढ़ा है कभी पहले? हाँ सर, टेंथ में है ना। तो उसमें वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला डेफिनेशन सबको आता है क्या? हाँ सर। हाँ तो बस रिडक्शन लॉस। हाँ तो बस उतना ही जानना है मुझे। तो पहला वाला देख लो, पहले वाले में क्या होगा कि थैलियम प्लस थ्री से थैलियम प्लस वन में जाना चाहेगा, वो काफी इजीली जाना चाहेगा, है ना, काफी इजीली जाना चाहेगा, है ना। तो ये क्यों जाना चाहता है? क्योंकि थैलियम प्लस वन ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगर ये खुद रिड्यूस होगा, तुम देख सकते हो ये प्लस थ्री से प्लस वन में जा रहा है, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं इसको, एक्सेप्ट कर रहा है, गेन कर रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ये बेसिकली। तो इसका मतलब ये खुद रिड्यूस हो रहा है, और अगर ये खुद रिड्यूस हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, सबको समझ में आ रहा है कि ये कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो थैलियम प्लस इज मोर स्टेबल देन थैलियम प्लस थ्री, विच मेक्स थैलियम प्लस थ्री अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो रिड्यूस होना चाहता है प्लस थ्री से प्लस वन में। ठीक है, सेम गोज विद लेड प्लस फोर और बिस्मथ प्लस फाइव। हाँ, इसमें बताओ ए और बी में कौन सा होगा सेकंड क्वेश्चन? थैलियम प्लस आई थ्री माइनस। हाँ, बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ध्यान से देखना कि ये नहीं बन सकता, थैलियम प्लस थ्री स्टेबल नहीं होता है, तो ए तो नहीं बनेगा, बी वाला बन जाएगा। सबको चमकाइए, किसी को डाउट है तो पूछ लो भाई, या तो नींद से जगाना पड़ेगा मुझे। थक गए हो क्या तुम लोग? नहीं सर। नहीं सर, नहीं थके हो ना, चलो अच्छी बात है। सुवाजित है क्या कि भाग गया ये? हाँ अच्छा, जागे हो, जागे हो, जागे हो, कुछ लोग जागे हैं, सुवाजित लगता है भाग गया है। बहुत लोग चले गए सर, बहुत लोग चले गए, सुवाजित चला गया, ये भी पता नहीं इनको क्या। चलो भाई कुछ नहीं कर सकते, जाने वाले को कौन रोक सकता है ना। चलो खैर, ठीक है सर। तो बी वाला कौन सा बॉन्ड होगा? बी वाला कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड होगा ये, आई थ्री माइनस। अच्छा, तुमने पहली बार देख रहे हो शायद, आई थ्री माइनस बनता है तुम्हारा आई टू प्लस आई माइनस को कंबाइन करके बनाएंगे, बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ोगे बहुत डिटेल में। ठीक है, तो आई टू प्लस आई माइनस से आई थ्री माइनस बनता है बेसिकली। ठीक है चलो, सर कितनी एक्सटेंड होगी सर? दो मिनट लिखना है। अच्छा लिखना है, चलो यार थोड़ा सा कर लेते हैं, एटलीस्ट फजान रूल खत्म कर ले क्या, कि वो भी नहीं। अगली क्लास कब है? कल ही है। कल ही है? अच्छा कल है। अच्छा कल है, काम करो यार, फजान रूल भी खत्म नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है पता नहीं। कर सकते हैं, कर लेते हैं एटलीस्ट कम से कम, नहीं तो कल 5:30 से शुरू करें, 5:45 तक। हाँ वो तो करना ही पड़ेगा मुझे भी लग रहा है मुझे। ठीक है चलो, खैर थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 15 मिनट तो बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा बचा है वैसे तो, ज्यादा बचा नहीं है, छोटा सा बचा। देर में खत्म होगा वो? 5 मिनट। ठीक ठीक है ना, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा एप्लीकेशन। 5 मिनट में होगा? नहीं नहीं, बस वही गया ना, तो कटायन का मैंने बता दिया, अनायन का बताना है तुम्हें, ऑलरेडी पता ही है। अच्छा ओके, पोलराइजेशन ऑफ अनायन। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ अनायन, तो उसमें क्या होता है, पोलराइजेशन में बेसिकली तुम्हें पता ही है दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो पोलराइजेशन डिपेंड करता है चार्ज ऑफ अनायन में, डायरेक्टली चार्ज ऑफ अनायन, एंड इट ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ अनायन। ठीक है, तो एक कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो कंपेयर द ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन, कंपेयर द ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन। क्वेश्चंस कराने रहते हैं मुझे क्लास में, तो टाइम लग जाता है।
चलो ये होमवर्क में ही कर लेना तुम लोग, ठीक है? वो को थोड़ा सा ये कर लेते हैं।